उत्तराखंड कला जगत को एक बड़ी क्षति तब पहुंची जब एक बेहतरीन अदाकारा कलाकारा गीता उनियाल जी हमारे बीच से चली गईं। उत्तराखंड फिल्म जगत की ऐसी उत्कृष्ट कलाकार की स्मृति में उनकी यात्रा पर और प्रकाश डालते हुए तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए देखते हैं ये क्लिप। गीता नेगी उनियाल एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत ही कम उम्र में उत्तराखंड फिल्म एवं संगीत जगत में अपने अभिनय कौशल से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। गीता नेगी उनियाल उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिसकी लाखों की संख्या में अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। लगभग 300 से ज्यादा क्षेत्रीय म्यूजिक एल्बम्स और फिल्म्स में काम करने वाली गीता नेगी उनियाल उत्तराखंड की लोक संस्कृति और सिनेमा संगीत के व्यापक प्रचार प्रसार में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। साल 2004 से उत्तराखंड म्यूजिक एल्बम से अपने करियर की शुरुआत करने वाली गीता नेगी उनियाल ने बतौर अभिनेत्री कई गीतों और फिल्म्स में अपने अभिनय से दर्शकों की खूब तालियां और वाहवाही बटोरी, जिनमें प्रमुख फिल्में भूली ए भूली, मेरू गांव, कन्यादान, भगत और घंडियाल, खैरी का दिन, ब्यू, संजोग, प्योली जवान वैगे, अभी जगवाल केरा, जय माधारी आदि शामिल हैं। जी, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं करी, पर मैं यह नहीं चाहती छो कि आप ते और माजी ते यक अकेला छोड़ी देरा दून जाओ। पर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ी पुनू छो कि आप ते हमारी माजी की और बच्चों की फिकर जी तो छोड़ दिया ये गो। उत्तराखंडी सीडी म्यूजिक एल्बम्स की शुरुआती दौर में जिस भी एल्बम में गीता नेगी उनियाल होती थी वह वीडियो का सुपर हिट होना लगभग तय माना जाता था। बतौर डांस अभिनेत्री गीता नेगी उनियाल ने कई क्षेत्रीय म्यूजिक वीडियोस में काम किया, जिनमें प्रमुखता नोनी भावना, खुद छाकना बाद, स्याली रोशनी, शुभा का, सुनीता स्याली, बिजुमा प्यारी, बबीता, बिंदुली, प्यारा सौ, चुनियाली रात, आंखों की तीस आदि शामिल है। गीता नेगी को उनके क्षेत्रीय संगीत सिनेमा में उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स में भी सन 2010 में फिल्म पीड़ा के लिए गीता नेगी उनियाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के सम्मान से नवाजा गया। गीता नेगी उनियाल का करियर अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बीच एक गंभीर बीमारी ने गीता उनियाल को पूरी तरह से जकड़ लिया। बहुत जिजीविषा के साथ इस बीमारी से जंग लड़ने के साथ साथ गीता उनियाल ने फिल्मों में भी काम करना जारी रखा। अपने प्रशंसकों को कभी यह एहसास तक नहीं होने दिया कि जीवन और मौत से उनका संघर्ष चल रहा है। कहते हैं कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कौन कब कहां उठेगा कोई नहीं जानता। गीता उनियाल भी इस गंभीर बीमारी से लड़ते लड़ते 20 फरवरी 2024 को हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने काम के प्रति समर्पित रहने वाली उत्तराखंड की यह प्रसिद्ध अभिनेत्री जाते जाते हमारे लोक कलाकारों को यह सीख दे गई कि यदि आपके पास कला और हुनर है तो उसे कभी जाया नहीं करते। यंग उत्तराखंड संस्था अपनी इस कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। स्वर्गीय गीता नेगी उनियाल जी के परिवार से उनके परिवारजन हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर पधारें। श्री उनियाल जी, उनके पति एवं उनके अन्य परिवार के सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, उनसे विनम्र निवेदन है मंच पर पधारें। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री SB नेगी, डायरेक्टर K3S, श्री हर्षपाल चौधरी जी, डायरेक्टर अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स, श्री सतीश कालेश्वरी जी,
वरिष्ठ रंगकर्मी एवं चारू तिवारी जी जर्नलिस्ट, आप सभी को भी भावभीनी स्मृति, एक ट्रिब्यूट हम हमारे उत्तराखंड की उत्कृष्ट अदाकारा को। देना चाहेंगे उनके पति श्री उनियाल जी हमारे साथ हैं। युका की ओर से एक स्मृति चिन्ह।